हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिंध व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी की। ये होम रेमेडी है जो बहुत ही असरदार है किसी भी प्रकार के बुखार के ऊपर। बस आप इसका एक चम्मच लेते हैं तो तुरंत आपको बुखार से राहत मिलती है। दूसरे दिन तो आप चल सकते हैं, घूम सकते हैं, इतनी आप में शक्ति आ जाती है। तो क्या है ये चीज़ जिससे आपको बुखार में फ़ायदा होता है, उसकी पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। और इसका डोसेज, इसे कैसे लेना है और किस तरीके से तैयार किया जाता है। दोस्तों, जब इंसान को बुखार आ जाता है, चाहे वो मलेरिया, टाइफॉइड, चिकनगुनिया हो या फिर डेंगू हो, उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल चल फिर नहीं सकता है, पूरी तरह से कमज़ोरी आ जाती है। ऐसा लगता है कि बदन में कोई शक्ति ही नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसका प्लेटलेट लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, गिर जाता है, क्योंकि बुखार का इन्फेक्शन होता है। तो जब हमको बुखार आता है, हम क्या करते हैं, एलोपैथी की दवा लेते हैं जिससे बहुत टाइम लगता है। लेकिन वही दवा के साथ अगर इसका एक चम्मच दिया जाए तो आपको इंस्टेंट राहत आप देखेंगे कि बिल्कुल थोड़े वक्त में आपको ऐसा लगेगा, बहुत ही शक्ति आती है आपके शरीर में, आपको ऐसा लगेगा कि बुखार पूरी तरह से भाग चुका है। तो दोस्तों, ये पूरी तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड होम रेमेडी है और बिल्कुल सेफ है, नेचुरल है। तो क्या है ये देख लेते हैं। तो ये है पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट। आपने सही सुना है, पपीते के पत्ते का रस होता है ये। इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। अभी बहुत सारी कंपनियां ये पपाया एक्सट्रैक्ट का टैबलेट्स बनाती हैं जो बहुत ही महंगी रहती है। कम से कम 300 से 400 का रेट होता है पर 10 टैबलेट्स या पर स्ट्रिप का। लेकिन यही आप अगर घर पे बनाते हैं तो इसे आप नेचुरली इंसान को, पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेने हैं फ्रेश पपीते के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, अच्छे होने चाहिए, दाग धब्बे वाले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल हरे और फ्रेश पत्ते लेने हैं आपको और वो अच्छी तरह से धो के लेने हैं। पपीते के पत्ते के अंदर पेपेन नाम का कंपाउंड होता है जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट और ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने वाली प्रॉपर्टीज होते हैं जो अंदर बॉडी के मौजूद बैक्टीरियाज को ख़त्म करते हैं और आपको अंदर से स्ट्रांग करते हैं किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। दोस्तों, इसका जूस निकालने के लिए एक अलग ही और बेहतरीन तरीका है, वही आपको फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपको पत्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और अच्छा साफ सुथरा पीने का पानी आपको लेना है। अभी आपको कितनी चम्मच जूस बनाने का है वो हिसाब से आपको पानी लेना है। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि एडल्ट यानी कि बड़े लोगों के लिए कितनी क्वांटिटी में ये देना है और छोटे बच्चों को कितनी क्वांटिटी में ये देना है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आगे वीडियो देखिए। तो दोस्तों, जूस बनाने से पहले आपको हाथों को अच्छी तरह से धोना है। अभी एक कांच के बोल में मैंने पानी लिया है पीने का, इसमें ये पत्ते डालने हैं और इसे हाथों से ही मैश करना है, हाथों से ही ऐसे मरोड़ के इसमें से एक्सट्रैक्ट निकालना है। अभी आप सोचेंगे कि इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल सकते हैं क्या, तो नहीं डाल सकते क्योंकि जो जूस होगा कॉन्सेंट्रेट बहुत ही स्ट्रांग होता है और उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं क्योंकि ये बहुत गर्म तासीर का होता है। तो हाथों से ही आपको जूस निकालना है। दोस्तों, ये जो जूस है ये सिर्फ बुखार ठीक नहीं करता है लेकिन आपको अंदर से स्ट्रांग करता है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये लीवर फंक्शन को ठीक करता है, लीवर को डिटॉक्स करने में बहुत ही मदद करता है। अगर आपका लीवर हेल्दी होगा तो बॉडी की फंक्शनिंग ठीक रहती है और कहीं सारी बीमारियों से आप बचे रहते हैं। तो दोस्तों, और एक बार यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जूस जो है आपको हाथों से ही निकालना है क्योंकि ये डाइल्यूटेड रहता है, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहता है, बहुत स्ट्रांग नहीं रहता है, क्योंकि बुखार का पेशेंट जो रहता है उसका सिस्टम ऑलरेडी अंदर से वीक रहती है। उसके ऊपर अगर आप स्ट्रांग डोज उसे देते हैं तो और साइड इफेक्ट और रिएक्शन हो सकता है, इसलिए हाथों से निकाल के ही कितनी क्वांटिटी में देना है वो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाथों से जूस आसानी से निकाल सकते हैं। इसे अभी छान के लेना है ताकि जो पत्तों के टुकड़े हैं वो अलग हो सके। तो दोस्तों, ये जूस परफेक्ट रेडी है। अभी आप देख सकते हैं ये बड़ा चम्मच मैंने लिया है जिसे हम टेबल स्पून कहते हैं। बड़ों के लिए आप ये एक टेबल स्पून दिन में 3 बार दे सकते हैं। खाना खाने के बाद एम्प्टी स्टमक नहीं देना है, खाली पेट पे नहीं देना है, कुछ खाने के बाद ही एक चम्मच आपको देना है।
और छोटे बच्चों को यानी कि 5 साल के ऊपर जो बच्चे होते हैं उन्हें आप इस चम्मच से दे सकते हैं या इससे थोड़ा कम भी दिया तो चलता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है और दिन में एक ही बार दिया तो चलता है क्योंकि छोटे बच्चों की सिस्टम बहुत ही वीक रहती है, बहुत ही डेलिकेट रहती है, तो आप इसे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो दोस्तों ये थी जानकारी पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट के बारे में कि किस तरीके से हम बुखार से राहत पा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए सिंध व्लॉग को बेल आइकन के साथ ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके जो बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग सिंध व्लॉग।